कैपिटल स्मार्ट इमेज गोल्फ कोर्स बना है, इसमें सबसे खूबसूरत होल जो अब तक तैयार हुआ, जहाँ पे सबसे अच्छी प्लांटेशन हुई है, दैट इज़ होल नंबर 8। राइट नाउ मैं होल नंबर 6 की प्रीमिसेस में घूम रहा हूँ। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा ये बेसिकली PGA स्टैंडर्ड 18 होल गोल्फ कोर्स है। तो इसके होल्स का मतलब है कि वो एरियाज व डिस्ट्रिक्ट या वो स्पेसिफिक इंक्लोजर्स के जिनके अंदर जाके बाकी होल्स तैयार होंगे। ये मैम राइट नाउ होल नंबर 6 की प्रीमिसेस में, अभी यहाँ पे जो इंजीनियर थे, साइट इंजीनियर, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक होल नंबर 18 जो है उसकी एलिवेशन सबसे प्यारी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है। तो हम वो देखने जा रहे हैं अभी कि वो एरिया कैसा है। लेट्स सी। इन एनी केस, आप जब भी यहाँ से गुजरेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत एरिया की एलिवेशन मिलेगी इन जनरल। ये मेरे लेफ्ट साइड पे आपको प्लांटेशन नज़र आ रही होगी। ये सारे जो रस्ते आपको नज़र आ रहे हैं, वॉकिंग ट्रैक्स भी हैं और गोल्फ कार्ट्स के भी रस्ते हैं, यानी कि यहाँ फ्यूचर में जब आप गोल्फ खेलने आया करेंगे, जो मेंबर्स यहाँ रहेंगे, जिनके पास यहाँ की मेंबरशिप होगी, तो डेफिनेटली जो गोल्फ कार्ट्स हैं वो यहाँ, तब ये बड़ी गाड़ियाँ, SUVs या सिंपल गाड़ियाँ सेडान्स तो नहीं ला सकते अब यहाँ पर, तो तब यहाँ पर गोल्फ कार्ट्स यही होती हैं जो सोसाइटी गोल्फ कोर्स के अंदर गाड़ियाँ प्रोवाइड करेगी उन गाड़ियों के लिए। ये उनके ट्रैक्स बने हुए हैं और आप इन पर डेफिनेटली वॉक भी कर सकते हैं। जो मेंबर्स यहाँ पर रहेंगे, जो यहाँ के मेंबर्स होंगे, जिनके पास मेंबरशिप होगी, ये व्यू देखें। मैं ट्राई करूँ गोल्फ कोर्स की ना पुरानी फुटेजेस ढूंढ के ना मैं वो भी साथ अटैच करूँ कि आपको आइडिया मिले ये एरिया पहले कैसा था। ये बिल्कुल जंगल जैसे, पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ना, ऐसा जंगल होता था। अभी इन पहाड़ों के दरमियान में खूबसूरत, जिस तरह जन्नत का नज़ारा होता है ना, इस तरह से तैयार कर लिया है कि इतना खूबसूरत व्यू बनता है यहाँ से अगर आप विज़िट करें पर्सनली। स्पेसिफिकली शाम के टाइम, तो दोपहर है तो धूप की वजह से इस तरह बाहर वॉक नहीं कर सकते, लेकिन आप शाम के टाइम यहाँ पे लेट्स सपोज विज़िट करते हैं तो यू विल बी अमेज्ड टू सी कि कितनी खूबसूरत यहाँ पे ना सोसाइटी ने लैंडस्केपिंग तैयार की है। सिर्फ ये बीच में जो कच्चा रास्ता भी तैयार होना है, मैंने बात की जैसे कि 18 होल ये गोल्फ कोर्स है और इसके इनिशियल जो 7 होल्स हैं उन पे भी काम हुआ है, वो भी मुकम्मल नहीं हुए, उनकी भी लैंडस्केपिंग बाकी है, लेकिन बहुत सारा काम उसमें रहता है। अच्छा जी, वो मेरे लेफ्ट पे आ गया जी, होल नंबर 18। मैं जूम कर दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये देख रहे, ये देखें जी, मैं पास से जाके दिखाता हूँ आपको ये एरिया कैसा है। अभी तो खैर वो थोड़े से बादल हैं राइट साइड पे, वरना आपको खैरी मुरत रेंज भी यहाँ से नज़र आती, सारे पहाड़ों का व्यू भी यहाँ से मिलता। ये हम जी होल नंबर 18 के प्रीमिसेस में आ गए हैं। यहाँ मैं उतर के प्रॉपर आपको ना वॉक करके सारा दिखाता हूँ। यहाँ शायद किसी और ने अभी तक विज़िट ना किया हो, किसी और ने वीडियो ना बनाई, मेरा निकाल किसी बनाई होगी, क्योंकि ये एरिया जो है ना वो बड़ा लिमिटेड से एक्सेसिबल है। अच्छा जी, यहाँ से ओवरसीज ईस्ट की लुक देखें, ये सारा ओवरसीज ईस्ट है आपका, जिन मेंबर्स के ओवरसीज ईस्ट में प्लॉट्स हैं डेफिनेटली वो यहाँ पे फ्यूचर में खुद यहाँ के रिहाइश पजीर होंगे। मैं तो बस हैरान हूँ इसकी गोल्फ कोर्स की एलिवेशन देख के, मतलब जिस तरफ आप नज़र दौड़ाएं ना आपको इतना खूबसूरत व्यू क्रिएट होता है, इतना खूबसूरत व्यू मिलता है वहाँ से कि मतलब मेरे ख्याल में अभी इसको तकरीबन 3 साल के आसपास का अरसा लगेगा ये सारा एरिया मुकम्मल होने में, ऑपरेशनल होने में। लेट्स सी ये तैयार होने के बाद कैसा दिखाई देता है। ये होल नंबर 18 की प्रीमिसेस आ गई हैं।
अभी मैं सारा एरिया आपको पैदल वॉक करके दिखाता हूँ। यार लुक एट दिस, मैं आपको पास से दिखाता हूँ सारा एरिया। ये उन मेंबर्स के लिए व्यू है कि जिन मेंबर्स ने कैपिटल स्मार्ट सिटी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और सारी लैंड्स के पास से भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपनी ना जो मेंबर्स हैं उनके पैसों का हक अदा किया है, जो जो प्रॉमिस किया अब तक पूरा किया है। क्या 18 होल पीजीए स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स ला के देंगे, ऑलरेडी आपके सामने वीडियोस ही देख रहे हैं आप। कहा गया कि आपको 18 मेन एम टू मोटरवे पर इंटरचेंज देंगे, आपने वीडियोस देख ली होंगी कि इंटरचेंज पे एक्सेस जो आपकी हो चुकी है। अब यहाँ से देखें, ये एरिया सारा ओवरसीज ईस्ट का एरिया है, ये आपको शायद विजिबिलिटी मिल रही हो। जो ईस्ट के लोग हैं, ये प्लॉट अभी देखेंगे तो इनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। मतलब आप बहुत 10 मरले का प्लॉट 60-70 लाख का इस्लामाबाद पिंडी की डोमेन में और इस एरिए में जिसका मोटरवे पर इंटरचेंज हो, अपना गोल्फ कोर्स हो, उसके अंदर जब ये एरिया डेवलप हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, तो तब इसमें वैल्यूज़ कहाँ जाएंगी। ये जो वाटर बॉडीज देखें, ये सारी की सारी ना साइट के अंदर सब चीज़ें बनाई जा चुकी हैं। ये वो नहीं है कि जो कंसिडर करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे इस बारे में, वो सिस्टम ही नहीं है। ये स्प्रिंकल्स इंस्टॉल हुए हैं यहाँ पे। ये सारा व्यू आपको ना, यहाँ आप गोल्फ खेलें तो आपको ये व्यू मिलेगा। ये देख रहे हैं, ये इन जनरल गोल्फ कोर्स के अंदर नॉर्मल सा व्यू होगा। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग कर कुछ मालूम चाहिए देख रहे हैं, रब्ता करें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। खुदा हाफिज़।